लगता है दोस्तों आज फिर कोई गाड़ी आई है आपके सामने और देखते हैं कहाँ की कौन सी बाइक है ये। अच्छा, ये हमारे भाई साहब हैं, बहुत गति ट्रांसपोर्ट में बहुत जेन्युइन पर्सन है और अक्सर कोई भी गाड़ी आती तो लेके आते रहते हैं ये। और गाड़ी आप लोगों के सामने है, कहाँ से आई है भैया गाड़ी? बिल्टी में कहाँ का लिखा? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा राजस्थान से गाड़ी निकली थी, फाइनली पहुंच गई है। और भाई साहब ने जिन्होंने ये गाड़ी पहुंचाई है उनको खाली मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपके इधर वालों ने पैकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं करी है और मेन स्टैंड भी टूटा हुआ है गाड़ी का, दिखा सकता हूँ। बस ये यहाँ तक सही सलामत पहुँच गई है, इतना ही काफ़ी है। टायरों में हवा नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और चलो बेटा ऊपर चढ़ाओ, अभी आपके ही सामने पूरी बाइक को खोल के चेक कराया जाएगा। बेटा मेन स्टैंड खराब है गाड़ी का, मेन स्टैंड खराब है, टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है। मेन पे नहीं, साइड पे लगाओ। चलो ब्लेड उठाओ और गाड़ी खोलना स्टार्ट करो। चाय का बोलते ना भैया, चाय ब्लेड ले। ये चारों तरफ से अभी कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं। गाड़ी हमारी शॉप पे आ चुकी है और भीलवाड़ा राजस्थान से आई है ये बाइक बनने के लिए। यामाहा RX 100 है। चलो खोलना स्टार्ट करो। जो भी मतलब ये वीडियो पूरा कंप्लीट बनाने का मेरा मकसद खाली इतना होता है कि जिनकी भी गाड़ी हमारी शॉप पे पहुंची है तो उनको ये पता चलना चाहिए कि बाइक आते से ही किस कंडीशन में है और रास्ते में क्या क्या गाड़ी में डैमेज हुआ है और सही सलामत पहुंची है या नहीं पहुंची है। बस यही दिखाना हमारा मकसद होता है। और ये जिन्होंने भी पैकिंग करी है भाई साहब, बिल्कुल घटिया पैकिंग है, खाली ये समझ लो काम चलाऊ है। अगर कोई गाड़ी पे भारी सामान गिर गया तो ये गारंटेड है कि गाड़ी का टैंक वगैरह डैमेज होगा, क्योंकि ये बहुत लोकल पैकिंग हुई है गाड़ी में। ये अभी से ही मैं आपको दिखा दूं, ये लीजिए, ये आपको टंकी नज़र आ रही होगी और ये डैमेज दिख रहा होगा आपको पूरे टैंक के ऊपर, ये देखिए। तो मैं जो कहता हूँ कि आप हमेशा से गाड़ियाँ जब पैक कराएं तो इस तरह से पैक कराएं कि गाड़ी सही सलामत रहे। हालांकि इतना बड़ा डैमेज नहीं है, वो टैंक में डेंटिंग वगैरह तो हो ही जाती है और गाड़ी को रिपेयर भी अपन को करना ही है, पूरा नया खोल के नए सिरे से बनानी है, आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए पर्सनली जितनी भी गाड़ियाँ हमारे भोपाल रिस्टोरेशन से निकलती है तो मैं खुद ही उनको अपने हाथों से पैक करता हूँ, क्योंकि अपन रिस्क नहीं ले सकते, किसी का पैसा तो लगा ही है गाड़ी के ऊपर, प्लस ये ड्रीम बाइक होती है। और ये पीछे की कंडीशन भी आपको दिखा दी जाएगी, ये आप पीछे से भी देख सकते हैं गाड़ी को। और गाड़ी का साइलेंसर तो इस लायक अब बचा नहीं है कि इसको दोबारा अपन रिपेयर करके यूज़ करें, क्योंकि पूरा डैमेज होता है, चलता है, ये हिस्सा ख़राब होने के बाद रिपेयर हो नहीं पाता है। और अगर करेंगे भी तो वो साउंड नहीं आएगा जो आप चाहते हैं, तो उससे बेटर है कि अपन उसको दोबारा यूज़ ही ना करें। और गाड़ी में ये जो कार्बोरेटर आप देख रहे होंगे 40L01, मतलब अपनी गाड़ी जो हो गई है ये 135cc है। और उसके बाद ये लोकल ब्लॉक सेट लगा हुआ है, मतलब आफ्टर मार्केट है, ओरिजिनल नहीं है, ये कंपनी ने कभी ये बनाया ही नहीं है, ये गोड्स कंपनी का लोकल है। और ये आते से ही ब्रेक लाइट तो टूट चुकी है गाड़ी की, इंडिकेटर यहाँ से शहीद हो चुके हैं। और उसके अलावा ये भी दिखा दूँ मैं आपको कि ये उल्टे नंबर के ब्लॉक कभी आए नहीं है, और E1, E2, E3 के नाम से आते थे। और ये मीटर भी शहीद हो चुका है गाड़ी का, ये इतना सा बचा है थोड़ा सा। और बाकी के ये सामने की पोजीशन है बाइक की जो आपको दिख रही होगी। तो फाइनली ये पूरी वीडियो आपके सामने लाके दे दी है, तो अब आप इस चीज़ पे नोटिस कर सकते हैं कि गाड़ी की क्या पोजीशन है, कैसी है और किस कंडीशन में आती हैं।
और इसको पूरा बनाने के बाद एक बार और वीडियो आप लोगों के सामने आएगा। और गाड़ी की कंडीशन जो भी है आपने देख ली है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और अगला वीडियो गाड़ी का जब आएगा तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इतना सपोर्ट करने के लिए और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।